हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ लेकिन कल वाली वीडियो में जैसे आपने देखा कि वो फिल्मोरा का वहां पे वो आ रहा था क्या वाटरमार्क आ गया था, तो अब उसी को दूर करने की कोशिश कर। इससे ऊपर कोई है ही नहीं था सिंगर, लता मंगेशकर जी आज उनकी डेथ हो गई। टाइम हो गया जी 4:15, तो सारा दिन तो सो के ही निकल गया मेरा आज का। हाँ जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। डेट आज की 6 फरवरी, टाइम हो गया सुबह के 10:00। आज हम हो गए हैं लेट उठने में, बट कोई नहीं, अब अपना काम कर रहे हैं, उठ के नहाना धोना, फिर आज शायद मैं मुबारक मंडी मतलब जाऊँ एक थोड़ा सा शॉट्स लेने के लिए, मतलब अच्छी जगह बहुत, तो देखते हैं आज जाना तो है कहीं पे, तो शुरू करते हैं दिन विद पॉजिटिव वाइब्स। ओम नमः शिवाय। A few moments later. सुबह उठा था मैं तो अंदर आया तो फिर से मेरे को ना नींद आ गई, तो मैं सो गया, फिर से सो गया, अंदर आते ही सो गया। मैंने सोचा था नहाऊंगा धोऊंगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, संडे का दिन ऊपर से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, तो नहाना वहाना तो हुआ नहीं। आया अंदर सोया थोड़ी देर, उठा तो मम्मी पूछती कि हाँ ब्रेकफास्ट करना है, तो हाँ ब्रेकफास्ट के लिए हाँ बोल दिया, और बेड पे ही गरम गरम गोभी के परांठे आ गए, तो बस मैंने गोभी के परांठे खा लिए। अब तो अब तो बिल्कुल ही उठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है फिर से सो जाऊँ। अभी भी देख लो इस रजाई में बैठा हूँ, तो मन कर रहा फिर से सो जाऊँ, इवन मैं सोने ही वाला हूँ। हाँ लेकिन कल वाली वीडियो में जैसे आपने देखा कि वो फिल्मोरा का वहाँ पे वो आ रहा था क्या वाटरमार्क आ गया था, तो अब उसी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई क्रैक्ड वर्जन या कोई और अब सोच रहा हूँ, एडिटर चेंज कर लूँ जो भी है, लेकिन आज की वीडियो ये वाली वीडियो अच्छी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। इसमें आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा, मतलब जैसे कल वाली में वो था फिल्मोरा का वाटरमार्क था, वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ अपने कंटेंट को थोड़ा अच्छा और करने की आज, तो ऐसे ही है यार, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ही ज़्यादा अच्छा मतलब बनेगा कंटेंट, क्योंकि फर्स्ट डे था कल मेरा, तो स्टिल बहुत अच्छा सब ने रिस्पॉन्स दिया, सब ने बहुत मतलब मेरे को सपोर्ट किया, और मतलब सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे हो गए, अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रही है 77 सब्सक्राइबर्स हो गया। स्टिल एक दिन में इतने सब्सक्राइबर्स होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच आप सबका। और हाँ मैं अभी जब जैसे उठा फेसबुक भी ओपन किया, मेरे को ऊपर नोटिफिकेशन आई थी, तो बहुत दुख लगा सुन के कि हमारी नाइट मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी वन ऑफ द क्या, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं था सिंगर, लता मंगेशकर जी आज उनकी डेथ हो गई, तो बहुत दुख लगा। अब उनकी डेथ के लिए 2 दिन का नेशनल शोक भी है, तो हाँ फ्लैग्स डाउन रहेंगे हर एक गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर, जो भी राष्ट्रीय झंडे हैं मतलब तिरंगा है वो हाफ डाउन रहेगा। इवन इन सब से उनको मतलब शांति तो नहीं मिलेगी, उनको वो वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन ठीक है बुरी बात हुई है बहुत ज़्यादा, तो दुख सबको है इस बात का, लेकिन इस मेरे को लगता है कि इस नुकसान की भरपाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉरेन के जो साइंटिस्ट थे रिसर्चर्स थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब इनकी डेथ होगी तो इनका गला हमको देना, जो ये पार्ट है हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि किसी की आवाज़ इतनी सुरीली कैसे हो सकती है, तो बस मतलब बहुत दुख है इस चीज़ का, लता जी की आज डेथ होगी, तो बाकी और कुछ मैं मतलब बोल ही नहीं सकता, बहुत अच्छे सिंगर थे वो, बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर थे, इवन कि हमारी जनरेशन तो इतना उनको सुनी भी नहीं है, लेकिन हम अपने दादी दादू से अपनी मम्मी पापा से सुनते हैं कि हाँ वो कितने बड़े सिंगर थे। अब मैं हूँ, मेरे को पुराने गाने पसंद है, तो इसलिए मैं उनके गाने सुनता हूँ, तो मतलब इंडिया की जो म्यूज़िक की दुनिया है, जो बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, मतलब उनकी डेथ बहुत बड़ा। हाँ इवन उनकी एज 92 थी, लेकिन स्टिल शी वॉज क्या बताऊँ, भारत मतलब इंडिया का एक वन ऑफ द जेम्स थे वो। दुख हुआ इनको डेथ को सुन के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही बोल सकते हैं, और तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि
क्योंकि उनके लिए कुछ बोलने के लिए मतलब इतना है ही नहीं, हम काबिल ही नहीं है। मतलब सच में बहुत ज़्यादा दुख है। सब लोग प्रे करना कि हाँ उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बस जय हिंद, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। टाइम हो गया जी 4:15। तो सारा दिन तो सो के ही निकल गया मेरा आज का, क्योंकि मैं तब उठा था जब जो मतलब पहले आपको बताया, मैं उठा उसके बाद मैं कुछ भी नहीं किया, वापस लेटा और दादू ने रेडियो ऑन किया था और उन्होंने लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स लगा दिए। तो वो सुनते सुनते मुझे फिर से नींद पड़ गई। अब मैं क्या बोलूँ। तो इवन मैं लंच के लिए भी नहीं उठा, इतनी गहरी नींद थी, इतना मतलब आज। लेकिन मैं सारा दिन सोया हूँ लेकिन रिलैक्स बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, क्योंकि थोड़ा हैक्टिक ही था 1-2 दिन से मेरा स्केड्यूल। तो बस ऐसे ही है। हाँ लेकिन मैंने थोड़ा सा काम ज़रूर किया है कि जो वाटरमार्क आ रहा था फिल्मोरा का वो अब नहीं आएगा। ये मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैंने कुछ जुगाड़ लगा के फिल्मोरा का वाटरमार्क हटा दिया। तो अब मतलब वो वाटरमार्क तो नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको भी वो वीडियो क्वालिटी भी एनहेंस्ड मिलेगी। जो प्रीमियम फिल्मोरा में वीडियो क्वालिटी आती है वो वाली भी वो वीडियो क्वालिटी मिलेगी। तो इसीलिए बस ऐसे ही है, थोड़ा सा यही सब हुआ है। लेकिन आज कुछ काम तो हुआ नहीं। अब देखता हूँ, अगर शाम को कहीं जाने को मिला तो ज़रूर जाऊँगा। लेकिन आज बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब फुल क्लाउडी वेदर है, कोई भी धूप नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं है। तो इसीलिए मैं खुद भी बाहर नहीं निकला, बट देखता हूँ अब शाम हो रही है, अब सारा दिन तो घर पे नहीं रह सकता। तो जाऊँगा शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला भी था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ का शायद वहाँ पर ना जाऊँ शायद, लेकिन हाँ कहीं तो ज़रूर जाऊँगा। और हाँ कल वाले जो व्लॉग होगा, जो कल आएगा, उसमें आपको मतलब मैं जम्मू से थोड़ी दूर जा रहा हूँ, 4 घंटे का रास्ता जम्मू से, और उस जगह का नाम है डोडा। तो उस जगह जा रहा हूँ। कल वाला व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, ट्रैवल व्लॉग रहेगा और आपको मतलब मज़ा आएगा। लेकिन शायद कल वाला व्लॉग लेट भी आ सकता है, लेकिन आज वाला तो अपने टाइम पे आ ही जाएगा। हम आ ही गया, तो देखते हैं। बाकी कुछ अगर आपको आज दिखाने को कहीं जाने को मिला तो ज़रूर मैं जाऊँगा। बाकी सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, तो थैंक यू सबका। और सबने वेल विशेस किए हैं मेरे लिए, उसके लिए भी सबका थैंक यू। घर आज आए हैं बड़े लोग नहीं, आर्यमन महाजन। पकोड़े पकोड़े वेनी पकोड़े लाए हो? हाँ सही है भैया, हमें हमें मिलेंगे पकोड़े। चेक करा पकोड़े, ओए पकोड़े हम रेड पकोड़े लाए होंगे। ओ चाय वाकई खाते हैं हम, चाय पियेंगे पहले। मिस्टर सुप्पी इन द हाउस, ब्रेड पकोड़ा आ गया सुप्पी के मुंह पे। मेरा मामा लाएगा भाभी, मुझे तो दे दे, मैं बिना चाय के। कोई बात नहीं यार, लाया ही नहीं, मैं ले आता हूँ। और कहाँ से लाएगा, न्यू ब्लॉड से लाएगा। ऐसे दे दे। नानी भी देख रहा है क्या करके नानी के घर पकोड़े ले। मेरे को मेरे लिए ब्रेड पकोड़ा दिया था, लेकिन ये हमारे मानिक जी ने हमको ब्रेड पकोड़ा दिया, इन्होंने अपना आधा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी बिजनेस टाइकून है ये हमारे यहाँ के, फ्यूचर 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 बिजनेस टाइकून है। कपड़ों का काम है इनका। ये हमारे सुपी शाह जानी है, पर मुर्गा भी खा लेते हैं। ओ वाकई यार, वेरी गुड सुपी। हमारे मोस्ट शरीफ लड़का है हमारे ग्रुप का, ये आर्यमन महाजन, मोस्ट मोस्ट शरीफ लड़का हमारे ग्रुप का। इसकी इसकी फेवरेट स्टेट है जलंधर। सही बात है, पंजाब 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 से बड़ा प्यार है लड़के को है। बोल निकाल टीबी, जलंधर का नंबर क्या? बाकी बाकी इसका इसका बाकी इसका फेवरेट इलाका है त्रिकुटा नगर, क्यों हमको नहीं पता, इसको पता नहीं। सब पसंद है उधर की, क्या पसंद? पकौड़ों के बारे में विशेषता बताओ। पकौड़ों की खासियत ही यही है, लड़ाई नहीं पड़ती इतने बंदे होने के बावजूद भी। पहली बार हाँ, चटनी तो लड़ाई पता क्यों नहीं बनती, लड़ाई इसलिए नहीं बनती, ये है टैंकर, बीच में चटनी, उसमें भी हाथ डाल रहा है। तू खड़े होके खा रहा है, मेरा मुंह अभी भी भाग रहा है, हम सबका बंद हो गया तेरे मुंह। तू पहले बता, तू पहले बता क्या पकौड़ियों पकौड़ों का पूरा बता।
कि क्या अच्छी बातें हैं उसकी, क्या बुरी है। बड़े क्रिस्पी थे, मजेदार थे। माता जी, हेलो 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 बुड्ढी, क्या बना रहे हैं आप डिनर के लिए आज? डिनर के लिए आज बना है सरसों का साग, मेरा फेवरेट, ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सरसों का साग। आपने अपनी मिठाइयाँ खाई? खा ली। कौन सी कौन सी? तातो हेलो तो बोल दो। ये कौन सा हेलो होता है? हेलो बोलने से हेलो होता है? पहले खा लो। अरे यार अभी डिनर का टाइम हो गया, व्लॉग भी एडिट करने लगे हैं, तो बाय गुड नाइट सबको। हाँ जी, तो अभी आपने देखा जो पकौड़ों को डिस्क्राइब कर रहा था, वो नाम उसका नाम सही है। हम लोग सब एक साथ रहते हैं, सब मेरे छोटे भाई के ये दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं। तो लेकिन मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं है, उसके करके मेरे भी यही दोस्त हैं ज़्यादा। तो हम लोग सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, कई बार ये लोग हमारे घर पे नाइट ओवर भी करते हैं। यार ये बाल ख़राब है, कोई बात नहीं। तो आज ज़्यादा बाहर निकलना हुआ नहीं, बोरिंग सा व्लॉग है मुझे पता है, लेकिन कल वाला व्लॉग बहुत अच्छा होगा। और कल मैं फर्स्ट अपना ट्रैवल व्लॉग पोस्ट करूँगा। और हम मतलब ज़्यादा आज तो अब मैं एडिटिंग करने लगा हूँ इस व्लॉग की, मतलब खास एडिटिंग भी नहीं होगी आज तो, ठीक है। बट स्टिल लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप मतलब हर एक का एक दिन अच्छा होता है, दूसरा दिन बुरा होता है। तो आज मेरा मान लो बुरा दिन था, सेकंड व्लॉग है, बट स्टिल जितना प्यार आपने फर्स्ट व्लॉग को दिखाया और इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आई गेस इस समय तक मेरे 90 के करीब सब्सक्राइबर होंगे। तो थैंक यू सबका सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और भी आपके आपसे हमेशा सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और ग्रो कर सकूँ, इवन हम लोग ग्रो कर सके। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय।